जब देश की आजादी को 75 साल हुआ तो संघियों को भाजपियों को इस देश की आजादी का गौरव लेने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई आजादी गौरव यात्रा नहीं निकाली, वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने, वो हमारे सेवा दल के साथियों ने निकाली, क्योंकि आजादी के जंग में जो लड़ा था वो कांग्रेस से लड़ा था, वो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लड़ा था। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता देश की आजादी के जंग में लड़ रहा था उस समय पर भी संघियों भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति में जरूर थे, पर फर्क था दोनों की प्रवृत्तियों के बीच में। एक तरफ लाठी खाते थे, गोली खाते थे, देश के लिए अपनी कुर्बानी देते थे, जेलों में जाते थे, पर कभी गोरों से माफी नहीं मांगे थे, कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने लाठी, गोली और जेल को मंजूर किया पर माफी नहीं मांगी, घुटने नहीं टेके। और दूसरी तरफ वो संघी थे जिन्होंने नौ नौ बार माफी मांगी, और इसीलिए वो भाजपा और संघियों की वो हैसियत नहीं है कि देश के आजादी के लिए और देशभक्ति की कोई बात कर सके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो देशद्रोही कह सके। मैं साथियों ये भी कहना चाहता हूं, लगातार ये लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को और उसके बाद वो एक गाली बकते हैं, वो मुबारक उनको क्योंकि उनकी वो भाषा है, हम कांग्रेसियों की वो भाषा नहीं है। पर मैं देशभक्ति, देश के लिए कुर्बानी और देश के सामने गद्दारी करने के जो सबसे बड़े सबूत है वो आप सबके साथ रखना चाहता हूं, और खुल के मैदान में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि गद्दारी क्या होती है। गद्दारी वो होती है जो देश के तिरंगे को ना माने और उसको बार बार ललकार कर कहे कि ये अपशुकन है। गद्दारी वो होती है जो अपनी शाखाओं में राष्ट्रगान की जगह पे कोई और गाना गाया जाए और राष्ट्रगान का अपमान हो। गद्दारी वो होती है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने और कांग्रेस के उन वरिष्ठों ने इस लोकतंत्र की, जिसमें सब कुछ हमारे संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स जो है उसको रखा हुआ है, उस संविधान को बार बार दरिया में फेंकने की बात करे और वो मनुस्मृति को लागू करने की बात करे, वो देश के साथ गद्दारी है। गद्दारी वो होती है साथियों। भारत माता की 8 संतान, मैं कोई जाति और धर्म के तरह नहीं, पर हर धर्म और हर जाति को कांग्रेस जो है वो पूरे आदर और सम्मान के साथ प्यार करती है, और इसलिए कहते हैं इस भारत माता की 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी बहाई, ये 8 संतान जो भारत माता की है, उस भारत माता की संतानों के बीच में जो बैरी बनाने का काम करे, एक दूसरे को लड़ाए, एक दूसरे को झगड़ाए, एक दूसरे के खून के प्यासा करे, वो हमारे देश का गद्दार है। हमें क्या देशभक्ति सिखाओगे आप, जब देश की आजादी का जंग लड़ा जा रहा था उस समय पर मुखबिरी का काम कौन कर रहा था वो कौन नहीं जानता है। मैं साथियों यहां पे मंचस्थ सभी महानुभाव और यहां पर बैठे हुए साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जब जब हम भगत सिंह का जिक्र करते हैं कि देश की आजादी के लिए भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी, 23 मार्च को भगत सिंह को वहां फांसी दी गई थी, वो 23 मार्च में भगत सिंह के दाएं और बाएं दोनों साथी थे, वो मेरे सेवा दल के साथी था, वो उसके लिए मुझे फक्र है वो कांग्रेसी था, वो राजगुरु से बदल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक थे, उस विरासत को कैसे भूल जाए हम लोग, उस विरासत को कैसे भूल जाए हम। संजोग था 23 मार्च को मैं भी सूरत में था जब गोरों ने हमारे इन तीन वीरों को फांसी दी थी, वो 23 मार्च था, और सूरत का जो जजमेंट आया वो भी 23 मार्च था, और लगता है ये संघियों का और उनका बीच में ऐसा कोई नाता है कि जो देश की लड़ेगा उसको सजा मिलेगा, जो देश की जनता के लिए लड़ेगा उसको सजा मिलेगा, और इसीलिए हमारे साथी लगातार नारों और गानों से बात को अपनी रखते हैं। ये कहते हैं इनको मिर्ची कब लगती है। मैं कुछ जगह पे जब मीडिया में बात किया, जैसे ही मैं अदानी का नाम लिया तो मीडिया का माइक हट जाता है, ये वहां पे मिर्ची लगता है कि क्या संयोग है जब अदानी का नाम आता है और हमारे वहां से माइक हट जाता है। जब अदानी के बारे में राहुल जी संसद के बीच में सबको उनको एक्सपोज करते हैं और राहुल जी की सदस्यता से निरस्ता हो जाती है, ये यही तो संजोग है। और इसीलिए हमारे साथी एक नारे के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं चौकीदार है पर असल में वो भागीदार है, वो कहते हैं चौकीदार है पर असल में वो भागीदार है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना थके हैं
ना थकेंगे, हम देश के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और यही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं। मैं साथियों मोदानी मॉडल के बारे में 2014 में पुकार पुकार कर हम लोग कह रहे थे, भाषणों में कह रहे थे कि यह कोई गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो मॉडल पेश किया था, गुजरात मॉडल, अगर गुजरात मॉडल होता तो वो महात्मा गांधी का और सरदार पटेल का और नेहरू जी का मॉडल होता। वो गुजरात मॉडल होता तो वहां पर मुद्रा के बंदर से ड्रग लाने वाला मॉडल नहीं होता। वो मुद्रा के अदानी बंदर से जो ड्रग आता है गुजरात में, जो उठता गुजरात बना रहा है, उसमें कौन भागीदार है और वो ड्रग कहां चला जाता है, उसकी भी इंक्वायरी करने की जरूरत है। तो ये कोई गुजरात मॉडल के नाम पर जो वो अपना कारोबार कर रहे हैं, हम दो हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, ये जो मॉडल चला रहे हैं उस मॉडल के खिलाफ की ये लड़ाई है और वो लड़ाई हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है, उससे उनको मिर्ची लगती है। वो लड़ाई राहुल गांधी लगातार, और वो सत्य की बात मैं आप सबके सामने कहूंगा, मैं जब जब कहता हूं और बड़े फक्र और सीना तान के कहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने 3 गांधी कुर्बान किए हैं। एक महात्मा गांधी जो कुर्बान हुए देश की आजादी के जंग के बाद, वहां पर देश को एक रखने के लिए, एक हमारी इंदिरा जी कुर्बान हुई वही देश की एकता अखंडता के लिए, राजीव जी कुर्बान हुए इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। तो सामने संघी भी बोलते हैं और उसके लिए मुझ पर केस हो तो वो केस झेलने के लिए मैं तैयार हूं। हम कहते हैं हम 3 गांधी कुर्बान किए तो संघी बोलते हैं हम भी तो 3 मोदी दिए हैं। एक नीरव मोदी जो बैंकों का पैसा लेकर भाग गया, एक ललित मोदी सोटरिया जो है वो क्रिकेट के अंदर का पैसा लेकर भाग गया, और एक नरेंद्र मोदी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर पूरे देश का पैसा जो है वो लूट लिया। तो हम कहते हैं हमने 3 गांधी कुर्बान किए हैं और तुमने 3 लुटेरे दिए हैं। इसी बात के साथ मेरी बात को यहां पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।